नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भूपेश कालरा और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। समय हो चला है कुछ खास खबरों का। अलीगंज में हुई व्यापारी की हत्या के बाद वैश्य समाज में भारी आक्रोश है। व्यापारियों ने बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर एटा बंद करने का आह्वान किया है। आज की जो शिकोवाद ग्रीन पार्क में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के एटा जनपद के अलीगंज निवासी सीमेंट के पूरे प्रदेश के नंबर वन कारोबारी संदीप गुप्ता की जघन्य हत्या जो अलीगढ़ में कर दी गई थी। जैसा कि मुझे ज्ञात है कि उनको सरकार से भी सुरक्षा प्राप्त थी, इसके अलावा अपने सुरक्षा कर्मियों को भी वो लेकर के चलते थे, इसके बावजूद उनकी हत्या कर दी गई। और आज 11 दिन के उपरांत व्यापारियों की कही जाने वाली पार्टी के अंदर उस व्यापारी की हत्या करने वाले लोग पुलिस की पहुंच से दूर हैं, तो ये कहीं ना कहीं संदेह और शंका पैदा करते हैं कार्रवाई पर। इसी को लेकर के आज ये बैठक आयोजित की गई है। कल उनके गृह जनपद एटा में शांतिपूर्ण हजारों की व्यापारियों की संख्या में धरना प्रदर्शन का डॉक्टर सुमंत गुप्ता जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में आयोजित की गई है। उस आह्वान के लिए डॉक्टर सुमंत गुप्ता आज यहाँ आए हुए हैं। उन्होंने सबसे आह्वान किया है जनपद फिरोजाबाद से शिकोहाबाद से सैकड़ों की संख्या में व्यापारी कल एटा पहुंचकर और वहां ज्ञापन देंगे, मांग करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये मांग करना चाहता हूं कि आंखें खोल लो, चुनाव नज़दीक है। अगर व्यापारियों की कही जाने वाली इस सरकार में व्यापारियों को न्याय नहीं मिला तो ऐसा ना हो कि इस चुनाव में व्यापारी आपके साथ न्याय कर दे। संजीव गुप्ता के हत्यारों को अतिशीघ्र पकड़ा जाना चाहिए। अपराधी की न कोई जाति होती है, न कोई राजनीतिक रिश्ता होता है, न कोई धर्म होता है, अपराधी अपराधी होता है। अखिल भारतीय वैश्विकता परिषद द्वारा 8 जनवरी को एटा बंद का आह्वान किया गया है। विगत 27 दिसंबर को संदीप गुप्ता सामाजिक कार्यकर्ता तथा सर्वाधिक राजस्व देने वाले विभिन्न क्षेत्रों में योगदान करने वाले ऐसे व्यक्तित्व की निर्मम हत्या कर दी गई, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक अपराधियों को नहीं पकड़ पा रही है। अधिकारियों के हाथ खाली हैं। हमारी मांग है कि अपराधी अविलंब पकड़े जाएं तथा घटना की सीबीआई से जांच कराई जाए तथा मुकदमे फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाए, उसमें मुकदमे चलने चाहिए तथा परिवार अपने को असुरक्षित भयाक्रांत महसूस कर रहा है। हमारी मांग है कि परिवार की सुरक्षा व्यवस्था शासन के द्वारा सुनिश्चित की जानी चाहिए। इन चार मांगों को लेकर कल एटा जनपद बंद का आह्वान किया गया है। कल हजारों लोग एटा की धरती पर पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन देने का काम करेंगे और मांग करेंगे कि हमारी मांगे पूरी की जाएं। पुलिस प्रशासन हम लोगों पर दबाव बनाने का काम न करे, बल्कि पुलिस उन अपराधियों तक पहुंचने का काम करे जिनके हाथ अभी तक पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। देखिए, देश और प्रदेश के विकास का रास्ता व्यापारियों के बीच से ही होके जाता है। विगत 28 दिसंबर को एटा अलीगंज के निवासी संदीप गुप्ता की अलीगढ़ में निर्मम हत्या गोली मार करके कर दी गई, जिसके अभी तक अपराधियों को पकड़ा नहीं गया है। तो डॉक्टर सुमंत गुप्ता जी ने एटा में कल 8 जनवरी को एक विशाल कूच करने का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी व्यापारी भाई अपनी ताकत जुटा करके वहां पर एक ज्ञापन देने का काम करेंगे। हम सभी व्यापारी भाइयों की सिर्फ एक ही मांग है कि जितने भी उसमें अपराधी थे, चाहे वो शूटर हो या कोई भी संदिग्ध है, उसको पकड़ा जाए और जो भी मुकदमा हो वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया जाए। और इस मांग की जाती है व्यापारियों के द्वारा, और जो व्यापारी के परिजन हैं वो भी इससे पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है जिस तरह से अपराधियों का जो खुलासा किया गया है। तो उसकी मांग सीबीआई के द्वारा निष्पक्ष जांच की जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इन सभी मांगों को लेकर के
फिरोजाबाद, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा सभी व्यापारी जाएंगे। एटा में जाकर के प्रदर्शन करेंगे। बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया जाएगा। पूरे एटा जिले को बंद रखा जाएगा। सभी व्यापारी एकजुटता का परिचय देने का काम करेंगे और अपराधियों के विरुद्ध बिगुल खोलने का काम करेंगे।